हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर हियर फॉर रिवीजन ऑफ टैक्सेस बीकॉम सेमेस्टर अप्लाइड कंपोनेंट एंड द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेस वी आर गोइंग टू रिवाइज जीएसटी के बारे में हम आज रिविजन करने वाले हैं और जो आपका पेपर होगा उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है सब कुछ आज रिवाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी ये लिंक जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर करें अपने ग्रुप्स में शेयर करें सो so दैट सभी लोगों का रिविजन जो है इस इनडायरेक्ट टैक्सेस का जीएसटी का हो पाए मैंने आपको काफी सारे सेशन पिछले सब्जेक्ट्स के भी दिए थे और काफी ज्यादा मुझे कमेंट्स मिले और वो सारे सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल हुए हैं तो ये जो सेशन आज का होने वाला है एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग सब कुछ हम रिवाइज करेंगे कैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन आज के सेशन में होगा तो सबसे पहले आपका नाम और आपके कॉलेज का नाम जो है अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें सो so दैट मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ तक ये बच्चे जो है ये सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन जस्ट राइट योर नेम एंड द नेम ऑफ योर कॉलेज इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन रिवाइज एवरीथिंग तो सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा स्टार्ट से लेके एंड तक रिवाइज करवाऊंगा अगर आप सीरियस है कल के पेपर को लेके तो ध्यान से ये सेशन को देखे प्लेलिस्ट बना के रखा है ऑलरेडी काफी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक दो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें कर लेंगे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दिया है टैक्सेशन का उसमें काफी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं लेकिन एक लास्ट मिनट रिवीजन लास्ट मिनट सेशन में हमको कौन से ऐसे चैप्टर से जिस जिसपे फोकस करना है कौन से ऐसे कंसेप्ट है जिसमें हमारे सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है यूजली उस सारे पॉइंट्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल आपके पेपर में किस तरीके से हमको फोकस करना है कि हमको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए उसके ऊपर भी आज का जो सेशन वो होने वाला है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम पहले डिस्कस करेंगे देखो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें एवरीवन नोज दिस जस्ट 5 मिनट्स में वो डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं देन आगे वाले पॉइंट्स पे हम जाएंगे फिर हम चैप्टर वाइज जाएंगे पहले मैं आपको एजेंडा क्या है पहले वो बताता हूँ देखो हम सबसे पहले पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो आपके मार्किंग्स है या मार्क्स है वो किस तरीके से एलोकेट किए गए थे प्रीवियस पेपर्स में एंड हमको किस तरीके से ये क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है देन हम चैप्टर वाइज जाएंगे हम चैप्टर वाइज को भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं और उसके बेसिस पे आपका रिविजन जो है वो भी हो जाएगा सबसे पहले अगर हम टैक्सेशन की बात करें देखो हंड्रेड मार्क्स का जो पेपर है हंड्रेड मार्क्स के पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बीस मार्क्स का वो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव चला जाता है राइट उसमें से एमसीक्यूज आते हैं ट्वेल्व और उसमें से टेन लिखने वो आप सभी को ऑलरेडी पता है फिर ट्रुअल फॉल्स या मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें भी आपको ओवरऑल टेन मार्क्स मिलते हैं मतलब टेन मार्क्स एंड टेन मार्क्स ट्वेंटी मार्क्स इज प्योरली ऑब्जेक्टिव राइट right? फिर लास्ट का जो ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें दस दस मार्क्स के दो क्वेश्चन होते हैं या उसके अल्टरनेटिव में आपको शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं तो वो भी एक बीस मार्क का क्वेश्चन हो गया अभी सौ मार्क्स में से हंड्रेड मार्क्स में से जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी मार्क्स के लिए ही है रिमेनिंग फोर्टी मार्क्स में ट्वेंटी मार्क्स आपके पूरे ऑब्जेक्टिव है और ट्वेंटी मार्क्स आपका थियरी है मतलब चालीस मार्क्स के लिए आप ये सारी चीजें को प्रिपेयर कर रहे हैं और चालीस मार्क्स अगर आप प्रॉपरली अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए चालीस मार्क्स जो है वो अगर चालीस मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाए तो वो मार्क्स जो बहुत बच्चे फोकस कर रहे हैं उसमें तो आपको मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद आपको ये चालीस मार्क्स में से भी मैक्सिमम ट्राई करना है कि मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली क्या है? करते हैं थियोरी पे लेटगो करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऐसे ही रैंडमली को, कोई भी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव सही होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव उनके गलत भी होते हैं तो उनको क्या करना है थियरी पे फोकस करना है अगर थ्योरी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो ये ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे अब अगर हम ओवरऑल uh, टैक्सेशन के सिलेबस की बात करें तो टैक्सेशन में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो दस दस मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अगर आप प्रीवियस के दो पेपर्स भी निकाल के देखे तो आपको दस दस मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट मींस एग्जामिनर एक डायरेक्टली बीस मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर दस दस मार्क्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है अगर आप प्रीवियस पेपर्स आपने ध्यान से स्टडी किए होंगे तो आपको जो मैं बोल रहा हूं उसमें आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली exactly दो क्वेश्चन दस दस मार्क्स के आपको पूछे जाते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ओवरव्यू ले लेते हैं फिर चैप्टर वाइज जाएंगे और फिर चैप्टर वाइज में आपको स्क्रीन पे बताऊंगा एक्जैक्टली exactly कौन से कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम फोकस करना है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम चीजें रिवीजन करके जाना है पेपर के लिए बिकॉज ये सारी चीजें हैं अगर आप उतना भी पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा ये बेसिकली आज जो भी हम डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो ट्रेंड है उसी के बेसिस पे करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो लोग ऐसे ही चले जाते हैं जो लोग कुछ पढ़ते नहीं है उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा और जो लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं उनके लिए भी ये सेशन काफी हेल्पफुल होगा बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा रिविजन हो जाएगा तो सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या है आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे एक सेवन टू एट पॉइंट्स है मैक्स टू मैक्स दस पॉइंट दिए जाएंगे और वो दस पॉइंट में से आपको कैलकुलेट करना है कि टैक्सेबल कौन से पॉइंट है, है और एड करने के बाद उसके ऊपर आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है सी जी एस टी एंड एस जी एस टी दैट्स इतना ही आपको पार्ट करना है और उसमें आपके जितने पॉइंट टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के सही रहेंगे उतने आपको इंडिविजुअल मार्क्स मिलते रहेंगे तो आपको उसमें जीरो मार्क्स नहीं मिलेगा ये आपका पहला लेवल हो जाता है जिसमें आपको uh, 10 marks के एक्सपेक्टेड है. है सब कुछ हम लोग करने वाले डिटेल में जाएंगे आगे उसके बार, उसके बाद बाद जो पार्ट आपको पूछे जाते हैं दैट इज नथिंग बट जीएसटी का कैलकुलेशन तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी उसमें आपके पास सेल्स uh, के कुछ चीजें होंगी जैसे सोल्ड गुड्स सर्विसेज के बारे में कुछ चीजें होगी जैसे आपने किसी को सर्विस दिया दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडेड सर्विसेज एंड आपके पास परचेस की कुछ ट्रांजेक्शन uh, होंगे परचेस का ट्रांजेक्शन परचेस गुड्स का एंड uh, आपने लिया सर्विस मतलब, अवेल्ड तो उसमें आपको जीएसटी का कैलकुलेशन करना है उसमें आपको सीजीएसटी ढूंढना है उसमें आपको एसजीएसटी ढूंढना है उसमें आपको आईजीएसटी ढूंढना है एंड अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके प्रेजेंट कर देना है ये भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे स्टेट के बेसिस पे होता है इंट्रेस्टेड और इंटरस्टेट ऐसा कंसेप्ट है सी जी एस टी लगेगा किन नाव सो पहला पार्ट हमको टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल रिलेटेड पढ़ना है उसके बाद हमको क्या पढ़ना है उसके बाद हमको वो जो जीएसटी के कैलकुलेशन होते हैं जीएसटी लाइबिलिटी के सी जी एस टी एस जी एस टी एंड आई जी एस टी वो वाले कैलकुलेश्स के ऊपर फोकस करना है उसके बाद अभी तीन है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आया है नंबर वन टाइम ऑफ सप्लाई नंबर सेकेंड प्लेस ऑफ सप्लाई और नंबर थर्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ओवरव्यू देता हूं टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब आपको जिसमें डेट्स दिया जाएगा और डेट में से आपको ढूंढना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है राइट right? सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको एक ट्रांजेक्शन या एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉलोइंग uh, ट्रांजेक्शन में से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा उसके बारे में भी डिस्कशन हम कर लेंगे उसके बाद जो होता है आपका उसके बाद आपका आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या है आपको लिस्ट प्राइस काफी सारी चीजें दी जाएगी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया जाएगा सब्सिडी दिया जाएगा ऐसे बहुत सारी चीजें देते हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई ये तो तीन चीजें हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई राइट उसके बाद अगर हम उसके बाद जो पॉइंट पूछे जाते हैं तो वो आते हैं एक तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में से मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फोर्टी ट्वेंटी है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ओनली सर्विसेज के लिए जो लिमिट्स है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वो याद होने चाहिए तो उसमें आपको क्या पूछा जाएगा उसमें आपको पूछा जाएगा एक एक चीज उसमें आपको क्या पूछा जाएगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली कि ये जो पर्सन है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के एक्ट के बेसिस पे लायबल है कि नॉट लायबल है बस इतना ही पूछा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशंस करने हैं, प्लस प्लस करना है वैल्यूज ढूंढने हैं एंड अकॉर्डिंगली कंडीशंस लिख के आपको कंक्लूजन देना है ऐसे पॉइंट्स को भी आपको दस मार्क्स मिलेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद जो आपको पूछा जाएगा दैट विल बी अगेन अपार्ट फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम कभी कभी पेपर में आता है तो जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं स्मॉल डीलर्स होते हैं उनको कॉम्पोजिशन स्कीम के बेनिफिट्स दिए जाते हैं और ये कॉम्पोजिशन स्कीम में फिर डेढ़ करोड़ और सेवेंटी फाइव लैक्स की लिमिट है तो वो लोग जो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी फिर कुछ कंडीशन है एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे आपको पूछा जाएगा कि कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ये लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते और अगर ले सकते हैं तो फिर जीएसटी लाइबिलिटी उनका भी आपको कैलकुलेट जो है वो करना है दैट विल बी द सिंपल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर कंपोजिशन स्कीम के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल का कंसेप्ट जीएसटी लाइबिलिटी इसी तरीके से क्वेश्चंस प्रीवियस इयर्स के पेपर में पूछे गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस में अगर सारे पॉइंट्स देखे तो आपको ओवरऑल मार्क्स कवर हो जाएंगे तो सिक्सटी मार्क्स का पार्ट इनमें कवर होगा और रिमेनिंग फोर्टी मार्क्स तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है नंबर फर्स्ट विल बी योर ऑब्जेक्टिव फॉर ट्वेंटी मार्क्स एंड नंबर सेकंड विल बी योर थियरी क्वेश्चन फॉर ट्वेंटी मार्क्स दिस विल बी योर पेपर पैटर्न विच कैन बी डिवाइडेड ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है कि क्वेश्चन नंबर टू में कौन सा क्वेश्चन आएगा थ्री में कौन सा क्वेश्चन आएगा लेकिन कौन सा भी क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाए हमको सिर्फ इतना पार्ट पढ़ना है कि हमको सब कुछ पढ़ के जाना है अगर हम एवरीथिंग वी विल बी लर्निंग इफ वी स्टडी एवरीथिंग एंड इवन इफ वी आर नॉट कमल विथ समर दर पॉइंट वी कैन हैव एन ऑप्शन इन द पेपर हमारे पास एक ऑप्शन रह सकता है पेपर में लेकिन आप अगर पहले से ही कुछ चीज छोड़ के जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको एग्जाम में तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अभी हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज जाएंगे एक एक चीज को डिस्कस करता हूं एक एक चीज को डिटेल डिस्कस करता हूं तो ध्यान से नोट बनाइए नोट्स बनाइए जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो सारी चीजें आप नोट करके रखें, सो दैट सब कुछ आपका रिवाइज हो जाए अगर आपने आज का सेशन ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया और आपने अगर इसके प्रॉपरली नोट्स बना लिए मैं आपको गारंटी देता हूं आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कल के पेपर में बिकॉज ये ओवरऑल जो आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयरस पेपर जितनी भी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई है उन सभी चीजों को लेके ये रिवीजन का आज का सेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं तो अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो बेनिफिट एक ही है मेरा उसमें कि यूट्यूब ज्यादा प्रमोट करेगा ऐसे वीडियोस को और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल पाएगा दैट इज वन ऑफ माय बेनिफिट फ्रॉम दिस लाइकिंग पार्ट और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें सो so दैट काफी ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी बेनिफिट हो पाए बिकॉज टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होना मतलब प्रॉब्लमेटिक ही है जिसमें स्कोर कैसे करने का उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है तो बेसिक फैक्टर ये है कि आपको आज का सेशन ध्यान से देखना है और जो जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है नोट no डाउन करना है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली चीज दैट विल बी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है ध्यान से देखना कंबाइंड सेशन कंबाइंड पार्ट ही मैं आपको बताऊंगा कि एक्जैक्टली कंबाइंड क्वेश्चन ही पूछते हैं चार चार पांच पांच पॉइंट मिक्स करके तो उसमें से कैसे कैसे पॉइंट्स आ सकते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है ध्यान से एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूं सो so दैट आपको ओवरऑल आइडिया आ जाए तो बुक और पेन रेडी रखे और सब कुछ प्रॉपर नोट डाउन करके दिस इज दंबाइंड क्वेश्चन ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट लेवल्स इमोबल प्रॉपर्टी भी कवर है फिर हमारा सेकेंड पार्ट फिनेंशियल सर्विसेज भी कवर है और थर्ड हमारा पार्ट कमर्शियल कोचिंग वाला भी इसमें कवर होगा तो टोटल ग्यारह पॉइंट्स है हमारे पास

अगर 1000 से ज्यादा अगर चार्जेस रहेंगे या टैरिफ रहेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बनेगा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल बनेगा और अगर 1000 से कम के टैरिफ रहेंगे तो वो नॉन टैक्सेबल बनेगा तो दिस इज फ्रॉम दी पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होप आपका रिविजन इसमें से हुआ है रिसीट्स रिसिव फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग अगेन इट इज टैक्सेबल कमर्शियल एक्टिविटी है तो थ्री लैख टैक्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट इज रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस तो रेसिडेंशियल हाउस मैंने आपको बताया था कि रेसिडेंशियल हाउस जो रहेगा वो क्या बनेगा नॉन टैक्सेबल और कमर्शियल एक्टिविटी क्या बनेगी टैक्सेबल नेक्स्ट इज बिल्डिंग लेट आउट टू प्राइवेट हॉस्पिटल तो ये क्या बनेगा टैक्सेबल तो फाइव लैक्स आपका होगा टैक्सेबल नेक्स्ट इज वेकेंट लैंड यूज फॉर फ्लोरिकल्चर तो मैंने आपको क्या बताया था एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर तो ए एच एफ तीन चीजें याद रख लो एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर तीनों के केस में एग्जेम होगा कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा नॉन टैक्सेबल बन जाएगा नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन इट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस तो अगेन इट इज नॉन टैक्सेबल यहाँ पे आ जाएगा सिक्स लैक्स नॉन टैक्सेबल नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो ये भी हमने सीखा था अगेन ये क्या बनेगा ये भी आपका नॉन टैक्सेबल बन जाएगा तो दिस विल आल्सो बी नॉन टैक्सेबल सेल एंड एंडेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो फर्दर आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे लोन प्रोसेसिंग फीस चार तो लोन प्रोसेसिंग फी क्या है टैक्सेबल बनेगा सिक्स लाख नेक्स्ट इज रिस फ्रॉम कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कमर्शियल कोचिंग क्या बनेगा इट विल बी टैक्सेबल तो ये बन जाएगा टैक्सेबल नेक्स्ट इज फ्रॉम ट्रेनिंग रिलेटिंग टू कल्चर तो हमने पढ़ा था रिलेटिंग टू कल्चर अगर रहा हॉबी क्लासेस रहे तो वो क्या बनता है दैट विल बी नॉन नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स तो दिस इज हमारे लिए नॉन टैक्सेबल होगा अब काफी सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करना है आपको तो so, सबसे पहले हम टैक्सेबल का टोटल करेंगे नॉन टैक्सेबल की टोटल की कोई जरूरत नहीं है सिक्स लैक्स प्लस थ्री लैक्स यहाँ पे बनता है नाइन लैक्स नाइन लैक्स प्लस टू लैक्स इज इलेवन लैक्स इलेवन लैक्स प्लस फाइव लैक्स इज सिक्सटीन लैक्स सिक्सटीन लैक्स प्लस थ्री लैक्स इज नाइनटीन लैक्स तो द टोटल वी आर गेटिंग इन टैक्सेबल कॉलम इज नाइनटीन लैक्स इस टोटल को क्या नाम देंगे हम दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है जीएसटी कैलकुलेट करना है कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया था इट्स एटीन परसेंट गिवन इन द क्वेश्चन सो एटीन परसेंट के लिए हम क्या करेंगे टीजीएसटी हमारा कितना परसेंट होगा फिर टीजीएसटी हमारा होगा एट द रेट नाइन परसेंट और सिमिलरली एस जी एस टी होगा हमारा एट द रेट नाइन परसेंट तो हमें करना क्या है नाइनटीन लैक्स जो हमको टोटल मिला उसका नाइन परसेंट कैलकुलेट करना है प्लस करो वन लैख सेवेंटी वन और वन लैख सेवेंटी वन तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड दैट इज द टोटल ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी तो दैट विल बी कॉल्ड एस टोटल जी एस टी पेबल तो ये आपको एक्स्ट्रा चीज है जो सॉल्व करनी है कभी कभी क्वेश्चन में जीएसटी पेएबल भी कैलकुलेशन पूछते हैं तो वेन एवर इट इज आस्क जस्ट चेक द रेट अकॉर्डिंगली और उसके बेसिस पे उसके हाफ ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर लो सी जी एस टी विल बी नाइन परसेंट एस जी एस टी विल बी नाइन परसेंट अगर एटीन परसेंट दिया है तो अगर फाइव परसेंट दिया है तो इट विल बी टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव तो दैट वॉज द कम्बाइंड क्वेश्चन मिस्टर कल्पेश रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये जो कल्पेश है ये रजिस्टर्ड हुआ है महाराष्ट्र में अगर वो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में बे गुड्स बेचेगा तो लगेगा सी जी एस टी एस जी एस टी और अगर वो महाराष्ट्र के स्टेट के बाहर गुड्स बेचेगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसे लगेगा आई जी एस टी तो उसी तरीके से कैलकुलेट करना है हमें तो ध्यान से कैलकुलेट नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फिलहाल हम इस क्वेश्चन में नेट टैक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी तक ही सीखेंगे ये जो पॉइंट नंबर बी है वो हम नहीं सीखेंगे इंटरेस्ट पेबल हम टेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं तो ओपनिंग बैलेंस है आपके पास तो दिस इज दी ओपनिंग बैलेंस तो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है ऑफ आई जी एस टी जी एस टी एंड एस जी एस टी तो सी व्हाट वी हैव टू डू विद दिस ओपनिंग बैलेंस फिर आपके पास ट्रांजैक्शंस है सेल्स के आ, चार ट्रांजैक्शंस है फिर सर्विसेस में भी आपने प्रोवाइड किया देखो सर्विस अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो भी हमारे लिए सेल्स का ही पॉइंट है इनवर्ड सप्लाईज जितने भी है वो हमारे लिए परचेजेस के पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सेल्स में क्या लिखना है और परचेजेस में क्या लिखना है तो एक तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में वी हैव गुड्स एंड वी ऑल्सो हैव द सर्विसेस तो वी आर हैविंग द सेल ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेस एंड सिमिलरली वी आर ऑल्सो हैविंग द परचेजेस परचेजेस के लिए डायरेक्टली परचेज वर्ड कभी कभी नहीं आता परचेसेस के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज इनवर्ड सप्लाइज तो इनवर्ड सप्लाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें टैक्स ऑन सेल्स को कैल्कुलेट करना है उसमें से हम टैक्स ऑन परचेसेस को क्या करेंगे माइनस करने वाले हैं वी विल बी गेटिंग दी एंसर तो देखो कुछ फॉर्मेटिंग इस तरीके से है ध्यान से एक एक चीज बताऊंगा अमाउंट मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने सोल्ड गुड सैटरडे ट्वेंटी एट परसेंट टू जीएसटी टू uh, अनिल इन पुणे देखो पुणे महाराष्ट्र में आता है तो आप कहेंगे यस पुणे महाराष्ट्र में आता है ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी है तो ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी कैलकुलेट करो फोर्टीन लैक्स पे या फिर इसका हाफ कैलकुलेट करो ट्वेंटी एट लैक्स 28 जो है वो लेंगे अगर फोर्टीन लैक्स पे और उसका फिर हाफ करेंगे तो आपको सी जी एस टी के कॉलम में वन लैक नाइन्टी सिक्स आएगा एस जी एस टी के कॉलम में अगर आप डायरेक्टली फोर्टीन परसेंट ढूंढोगे तो भी चलेगा सी जी एस टी और एस जी एस टी में क्यों लिखा बिकॉज पुणे इज इन महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में अगर अगर गुड्स बेचेगा तो सी जी एस टी और एस जी एस टी लगेगा और महाराष्ट्र के बाहर चले जाएगा आई जी एस टी कैलकुलेट होगा अगला पॉइंट ट जीएसटी टू आशा इन नागपुर तो नागपुर इज ऑल्सो रिलेटेड विद महाराष्ट्र तो यहाँ पे जो नागपुर है ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है इसीलिए यहाँ पे भी सी जी एस टी और एसजीएसटी तो यू कैन चेक सीजीएसटी फोर्टी थाउजेंड एस जी एस टी ऑल्सो फोर्टी थाउजेंड वी हैव रिटर्न हाफ हाफ नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू ट्वेल्व परसेंट सोल्ड गुड्स एट द रेट ट्वेल्व परसेंट जीएसटी टू राकेश इन सूरत तो सूरत इज इन गुजरात एंड वी आर चेंजिंग द स्टेट नाउ महाराष्ट्र से गुड्स गए गुजरात में अगर गुड्स गुजरात में गए हैं तो उसके ऊपर सीधा लगेगा आई जी एस टी तो आप देखो यहाँ पे आई जी एस टी के कॉलम में आया टू लैख फोर थाउजेंड देन सोल्ड गुड्स एट द रेट एटीन परसेंट जीएसटी टू मीना इन चेन्नई अगेन चेन्नई इज रिलेटेड विद डिफरेंट स्टेट तो यहाँ पे भी लगेगा सीधा फोर लैख फोर्टीन थाउजेंड आई जी एस टी प्रोवाइडेड सर्विसेस तो गुड्स के पॉइंट तो हो चुके हैं अगला पॉइंट है प्रोवाइडेड सर्विसेस तो जो हम सर्विस को प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको सेल में ही लिखना है अगेन इट्स चंडीगढ़ चंडीगढ़ है तो लगेगा आई जी एस टी तो सीधा आपको कैलकुलेट करके आई जी एस टी के कॉलम में लिखना है नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड सर्विसेज एट द रेट फाइव परसेंट जीएसटी टू बीमल इन पटना अगेन पटना इज आई जी एस टी रिलेटेड पॉइंट तो नाइनटी टू फाइव हंड्रेड हमने लिखा आई जी एस टी नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड सर्विसेस टू कोमल इन कोलकाता

उजेंड तो दोनों हाफ हाफ आ गया अभी आपको क्या करना है हर कॉलम का टोटल करना है तो यू विल गेट दि टोटल एज टोटल टैक्स ऑन सेल्स तो कैन से कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम में वी आर गेटिंग थर्टीन लैक्स टू थाउजेंड वन हंड्रेड सेकेंड कॉलम में वी आर गेटिंग फाइव लैखी फोर सी जी एस टी एंड एस जी ऑल्स एस जी एस टी ऑल्सो वी आर गेटिंग द सेम फोर थाउजेंड अगले पॉइंट में जाते हैं अब परचेजेस के पॉइंट भी वैसे ही आपको लिखने हैं इनवर्ड सप्लाईज अकोला अकोला इज इन महाराष्ट्री फोर टू हंड्रेड सी जी एस टी नाइंटी फोर टू हंड्रेड एस जी एस टी बैंगलोर बैंगलोर इज इन डिफरेंट स्टेट मतलब ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र के बाहर का पॉइंट तो आई जी एस टी में थ्री लैख फोर्टी नाइन टू हंड्रेड फिर इनवर्ड सप्लाईज ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी फ्रॉम रांची इसमें आपको लगेगा आई जी एस टी फिर अमरावती अमरावती भी महाराष्ट्र में आता है तो इस ये आपको लगेगा सी जी एस टी फिफ्टी सेवन फिफ्टी एस जी एस टी फिफ्टी सेवन फिफ्टी फिर आपको ये टोटल मिलेगा उसको नाम देंगे आपका तीन पॉइंट फाइव लैख थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड वन लैख फोर्टी फोर नाइन फिफ्टी वन लैख फोर्टी फोर नाइन फिफ्टी तो पहले हमने कैलकुलेट किया टैक्स ऑन सेल्स दैट वाज डिनोटेड बाय अल्फाबेट ए फिर हमने कैलकुलेट किया टोटल टैक्स ऑन परचेज दैट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट बी अब आपको करना क्या है अब आपको करना है ग्रॉस लाइबिलिटी कैलकुलेट ए माइनस बी तो ए के वैल्यू में से अगर हम बी की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें मिलता है सेवन लैक्स सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड सेकेंड में मिलता है थ्री लैख नाइनटी नाइन फिफ्टी थर्ड में भी मिलता है थ्री लैख नाइनटी नाइन फिफ्टी

इस वैल्यू में से ये वैल्यू इसको माइनस करना है सेवन लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड में से अगर थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंड को माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एंड फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज नेट टैक्स तो फर्स्ट में वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव सेकेंड में अगर थ्री लैख नाइनटी नाइन फिफ्टी में से फोर लैख सेवेंटी टू सेवेंटी माइनस करेंगे तो नेगेटिव आता है तो इसको ब्रैकेट डालेंगे और थर्ड में भी ब्रैकेट डालेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी ही बोल सकते हैं और नेगेटिव आंसर आया तो उसको हम नाम देंगे एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल क्या नाम देंगे एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव आए तो यू कैन राइट नेट टैक्स लाइबिलिटी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया तो दोनों नाम लिखना है नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑब्लिक एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल और इस पूरे सेशन में आपको थोड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई को हमें सॉल्व करना है किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई के जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखना सो हमने क्या किया था हमने प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो शुरू किया था अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अभी आप कहेंगे सर ये इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है प्लेस ऑफ सप्लाई वाइड इज इम्पॉर्टेंट तो ध्यान से समझते हैं पहले अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो हमने सप्लाई के बारे में दो चीजें सीखी थी क्या सीखा था हमने सप्लाई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ठीक है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं इसको ताकि आपको प्रॉपरली फिर क्या हो जाए समझ में आ जाए तो सप्लाई की अगर बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक होता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई ठीक है कौन सा है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा हमारा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सप्लाई नंबर वन इज कॉल्ड एस इंटर स्टेट एंड नंबर सेकेंड इज कॉल्ड एस इंट्रा स्टेट आई होप कि ये कंसेप्ट तो आपके अभी क्लियर हुए ही रहेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं देखो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में अगर हम देखें तो बेसिकली इसको याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट जो सप्लाई है वो आउटसाइड द स्टेट का सप्लाई है आउटसाइड द स्टेट मतलब क्या है इसमें ना दो स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे टू स्टेट्स विल बी इन्वॉल्व तो अगर दो स्टेट्स इन्वॉल्व है तो दैट इज कॉल्ड एज़ इंटर स्टेट सप्लाई और अगर सप्लाई विद इन द स्टेट है विद इन द स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई तो यहाँ पे एक एग्जांपल लूं अगर तो एग्जांपल में अगर हम देखें कि हम मुंबई से गुड्स को बेच रहे हैं मुंबई से हमने क्या किया गुड्स को सेल कर दिया कहाँ सेल कर दिया से फॉर एग्जाम्पल हमने गुजरात में सेल कर दिया अगर हम मुंबई से गुजरात में सेल कर रहे हैं गुड्स तो यहां पे कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व सो व्हेनेवर टू स्टेट आर इन्वॉल्व इट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई एंड वेन एवर ओनली सिंगल स्टेट इज इन्वॉल्व एक ही स्टेट में अगर आप गुड्स बेचोगे तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई तो ये प्रॉब्लम क्या है सर आप कहेंगे कि बार बार सर हमको एक ही चीज आज बता रहे हो कि इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए तो हमने लास्ट टाइम देखा था वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए इसके लिए हमने क्या किया था एक थियोरटिकल बेस ऑलरेडी समझ लिया तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पे मुंबई भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे गुजरात इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई गलत होने की वजह से कौन से टाइप का टैक्स लगेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम मुंबई में गुड्स बनाएंगे और गुजरात में बेचेंगे तो गुजरात के लिए ये जो टैक्स है वो गुजरात गवर्नमेंट को थोड़ा मिलेगा थोड़ा सा टैक्स इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और इसमें कौन से टाइप का टैक्स लगेगा इट विल बी आई जी एस टी विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगेगा इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा और अगर हम स्टेट की बात करें तो यहां पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में गुड्स बनाए और मुंबई से हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया से फॉर एग्जाम्पल नागपुर में कर दिया अगर हम मुंबई से गुड्स को सेल कर रहे हैं नागपुर में तो इफ यू कैन चेक ओवर हियर मुंबई भी महाराष्ट्र में है और नागपुर भी महाराष्ट्र में है ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगता है ऐसे केस में लगता है सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द पार्ट रिलेटेड टू सप्लाई अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में कैसे टाइप का पार्ट रहता है वो पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम चार्ट से समझते हैं तो किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो अगेन वही पार्ट है थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई में दो पॉइंट्स हैं हमारे एक है हमारा फर्स्ट पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द सेकेंड वन ठीक है अभी हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू योर सर्विसेज तो एक है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा पॉइंट है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू जो गुड्स है वो फर्दर दो पॉइंट्स में डिवाइड होगा ठीक है ये फर्दर किसमें डिवाइड होगा दो पॉइंट्स में डिवाइड होने वाला है अगर हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखें तो दैट इज सप्लाई विद इन इंडिया ये क्या है सप्लाई विद इन इंडिया ठीक है इसमें सिंपल चीजें है सप्लाई हम इंडिया के इंडिया में ही करेंगे इसके लिए अगर हम बात करें तो सेक्शन अंडर सेक्शन टेन जो सेक्शन टेन है वो इसके लिए कवर होता है और ये सेकेंड पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड विद योर इम्पोर्ट एंड दैट इज रिलेटेड विद योर एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें कवर अप होते हैं एंड इफ यू सी यहाँ पे आपका सेक्शन जो है इलेवन अप होता है अगर हम आगे बढ़े और सर्विसेज की बात करें तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विसेज में भी दो पॉइंट्स है सर्विसेज में भी आपके दो पॉइंट्स कवर अप होंगे एक फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आएगा अगर आपका लोकेशन जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर ध्यान से लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड जो लोकेशन ऑफ रेसिपियंट है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ये दोनों के दोनों अगर पॉइंट जो है टैक्सेबल टेरिटरी ये किसमें है ये है आपके टैक्सेबल टेरिटरी में दोनों के दोनों पॉइंट तो यहां पर आपका सेक्शन थर्टीन कवर अप होगा तो सेक्शन थर्टीन विल बी कवर ओवर हियर और अगर हम सेकेंड पार्ट देखे तो जो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर है या फिर आपका जो लोकेशन ऑफ रेसिपियंट है इनमें से कोई भी एक या दोनों भी हो सकते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो यहां पे आपका कौन सा सेक्शन कवर अप होगा यहां पे आपका सेक्शन यहां पे आपका सेक्शन ट्वेल्व अप होगा मैंने थर्टीन लिखा यहां पर ट्वेल्व अप होगा और यहां पे आपका सेक्शन थर्टीन कवर अप होगा

एंड अगर आपका लोकेशन और आपका जो रेसिपियंट है उनमें से कोई भी एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में रहा तो फिर अंडर सेक्शन थर्टीन वहां कवर कवरअप हो जाएगा अभी हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल वाइज समझते ध्यान से काफी सिंपल पार्ट्स में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको सिंपल चीज समझ में आ जाए ठीक है अभी हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल से समझ ये है मिस्टर ए यहाँ पे बैठा हुआ है बॉक्स में मिस्टर ए जो है वो बंदा जो है वो मुंबई का है मिस्टर ए कहाँ का है मुंबई का है और मिस्टर ए ने क्या किया गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके मुंबई में इसने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से ये अपना बॉक्स आ गया ये यहाँ पे बैठा हुआ है मिस्टर बी ये दूसरे बॉक्स में बैठा हुआ है मिस्टर बी और ये जो मिस्टर बी है ये बंदा जो है ये बंदा आपका रहता है गुजरात में ठीक है कहाँ रहता है गुजरात तो मिस्टर ए ने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर लिया और मिस्टर बी को उसने सप्लाई कर दिए टेन लैक्स के गुड्स तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड कर दिए अब मिस्टर बी के पास गुड्स आ गए अब बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा तो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया था जीएसटी क्या है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बेसिकली तो ये तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर हम मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए इज इन मुंबई एंड इज सेंडिंग द गुड्स ऑफ रुपीज टेन लैक्स टू मिस्टर बी मिस्टर बी क्या है गुजरात का है तो आपका इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा तो इस क्वेश्चन में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात और सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात कौन से टाइप का टैक्स लगेगा इसके ऊपर आईजीएसटी मतलब क्या है कि अगर हम ध्यान से समझे तो प्लेस ऑफ सप्लाई का यूज क्या है स ऑफ सप्लाई का यूज यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर सीजीएसटी एप्लीकेबल और वेदर विल बी एप्लीकेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ठीक है अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते ताकि और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए चलो दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं ये इधर ए बैठा हुआ है ये इधर बी बैठा हुआ है बाद में उसके अंदर लिख लेंगे और ये इनके बीच में इधर सी भी आ गया है ठीक है तीन लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से समझते हैं दिस इज मिस्टर ए दिस इज मिस्टर बी एंड दिस वन इज मिस्टर सी मिस्टर ए कहां का बंदा है मिस्टर ए हमारा मुंबई में रहता है महाराष्ट्र का बंदा है मिस्टर बी कहां का है मिस्टर बी है आपका गुजरात का बंदा ठीक है और मिस्टर सी जो है वो कोलकाता में रहता है अब मिस्टर ए मिस्टर बी और मिस्टर सी अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है मिस्टर ए जो है ही इज द सप्लायर बिकॉज ही इज सप्लाइंग द गुड्स ठीक है मिस्टर ए क्या है सप्लायर है अभी मिस्टर ए ने ध्यान से मिस्टर मिस्टर ए ने बी को गुड्स क्या करने हैं सप्लाई करने हैं तो मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किए एग्जाम्पल सेम है हमारा टेन लैक्स के गुड्स को सप्लाई कर दिया अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को टेन लैक्स ,00 के गुड्स को सप्लाई करता है तो हमने अभी सीख लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा गुजरात दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल तो उससे तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात बनेगा अब थोड़ा लाते हैं कहानी में ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट ये है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स भेजने हैं तो मिस्टर बी बोलता है एक काम कर ले मिस्टर ए मेरे बिहाफ पे तू गुड्स जो है मिस्टर सी को भेज दे किधर भेज दे मिस्टर सी को भेज दे ठीक है मिस्टर ए क्या कहता है मिस्टर बी को सी को भेजू चलेगा कोई इशू नहीं है मिस्टर बी कहता है यस तू मुझे गुड्स मत भेज तू मेरे बिहाफ पे भेज क्या बोला मैंने मेरे बिहाफ पे गुड्स किसको सेंड कर दे सी को सेंड कर दे गुड्स किसके पास गए मुंबई से गुड्स किसके पास गए कोलकाता में गए हैं मुंबई से गुड्स किसके पास गए कोलकाता में गए अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाए तो क्या होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका पॉइंट चेंज करके बता दूं तो देखो ध्यान से समझो हम एक अजम्पन लेते हैं ये गुजरात को कट कर लेता हूं मैं और समझो मिस्टर बी जो है मिस्टर बी नागपुर का है कहा का है मिस्टर बी नागपुर का है अब सेम कंडीशन सेम सीनेरियो है मैंने सिर्फ उसको चेंज करके नागपुर कर दिया ताकि आपको यह फंडा समझ में आए एग्जैक्टली कि मैं कहना क्या चाहता हूं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड किए थे टेन लैक्स ,00 के लेकिन मिस्टर बी कहता है कि तू नागपुर में गुड्स मत सेंड कर ले तू काम करे मिस्टर ए को बोलता है कि मिस्टर ए मेरे बिहाफ पे तू मिस्टर सी को गुड्स भेज देना और सी जो है वो कोलकाता का है अभी प्रॉब्लम ये अराइज होगा अभी मैं आपको क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं कि बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई इस सिचुएशन में क्या होगा वॉट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर दिस सिचुएशन तो आप कहेंगे सर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा कोलकाता बिकॉज गुड्स कहां से कहाँ गए तो गुड्स ए मुंबई का है मुंबई से गुड्स गए कोलकाता में तो फिर कौन सा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगा अगर आप मुझे कहते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगा तो फिर हम अगर देखें तो रूल कहता है मुंबई एक स्टेट है कोलकाता एक स्टेट है तो अगर हम देखें यहां पे कौन से टाइप का सप्लाई कवर हो रहा है यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है और जहां पे भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है वहां पे कौन सा टैक्स लगता है आईजीएसटी लगता है बट अगर आप मुझे कहते हैं कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई सर नागपुर है तो नागपुर और मुंबई दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है अगर हम नागपुर को प्लेस ऑफ सप्लाई अज्यूम करें तो फिर आपका जो सप्लाई होगा वो कौन सा होगा वो आपका रहेगा स्टेट सप्लाई और वहां पे सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी अप्लाई होगा और वहां पे अगर सी जी एस टी और एस जी एस टी अप्लाई होगा तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा लेकिन इस केस में अगर आपने सप्लाई गलत मान लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा आप कहेंगे सर कोई इशू नहीं है आप सप्लाई कोई भी मान लो टैक्स तो गवर्नमेंट को ही भरना है आपको अगर हमने सप्लाई गलत मान लिया तो वी विल बी चार्जिंग डिफरेंट टैक्स वी विल बी चार्जिंग आईजीएसटी हमें चार्ज करना चाहिए था सीजीएसटी और एसजीएसटी और हमने चार्ज कर लिया आई तो तो ऐसे केस में प्रॉब्लम एक ही होता है ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता तो इसीलिए आपको ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ध्यान से समझना है जो मैंने आपको बताया तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कोलकाता नहीं बनेगा इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नागपुर आप कहेंगे सर क्यों नागपुर गुड्स तो गए कोलकाता तो नागपुर क्यों ले रहे हो तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर इसीलिए है कि जो हमारा नागपुर का मिस्टर बी था उसके बिहाफ पे मैंने गुड्स मिस्टर सी को दिए हैं कोलकाता के तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई होता है दैट इज ऑफ थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन मतलब जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे हम किसी और को गुड्स सेंड कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे है सप्लाई कर रहे है तो हु इज दैट पर्सन इन दिस एग्जाम्पल मिस्टर बी इज द पर्सन इन दिस एग्जाम्पल सो मिस्टर बी इज सेंडिंग द गुड्स मिस्टर बी इज गिविंग अस द अथॉरिटी टू सेंड द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी टू मिस्टर सी एंड दैट इज वाई हियर इन दिस एग्जाम्पल द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बीपुर

किसके बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं अगर मैं ध्यान से देखू कि गुड्स की अगर बात करें गुड्स की तो गुड्स में दो चीजें कवर होती है देर आर टू टाइप्स कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ गुड्स वन फर्स्ट पॉइंट इज जहां पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट का मतलब क्या होता है गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं और दूसरा जो है वो है गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा फिर भी सप्लाई है ठीक है सिंपल है अगर आपको एक टीवी वी परचेस करना है टेलीविजन तो आप क्या करेंगे आप एक शॉप में जाएंगे हम जो अभी बहुत बड़े बड़े शॉप से हम एक विजय सेल्स का एग्जांपल लेते हैं वी हैव विजय सेल्स विजय सेल्स के शॉप में आप गए बहुत सारे टेलीविजन आपको वहां देखने मिले सो so, आपने विजय सेल्स के शॉप में गए विजय सेल्स का शॉप से फॉर एग्जांपल उनके बहुत सारे ब्रांचेस है आप मुंबई के विजय सेल्स में गए आप मुंबई के विजय सेल्स में जाओगे वहां पर एक सेल्स रहेगा सेल्समैन बोलेगा यस सर विच काइंड ऑफ टेलीविजन यू आर इंटरेस्टेड वो सारे हमको डेमो देगा और वो जो टीवी था वो टीवी कौन से शॉप में था से फॉर एग्जाम्पल वो मुंबई के शॉप में था तो वो मुंबई के शॉप में जो टीवी था वो आप वहां के मुंबई के शॉप से ही परचेस करते हो तो गुड्स वहीं पे थे और वहीं से आपने परचेस कर लिए मतलब वहां पे क्या है नो no मूवमेंट है मूवमेंट नहीं है ना गुड्स का जब आप उसको अपने घर पे लेके आओगे तो उसका मूवमेंट होगा लेकिन गुड्स वहीं पे थे लेकिन मूवमेंट के फैक्टर में क्या था हमारा एग्जाम्पल मूवमेंट के फैक्टर में गुड्स जो है एक स्टेट से एक स्टेट से क्या हो रहा है दूसरे स्टेट में जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा है तो गुड्स का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है तो अगर गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होगा तो भी आपको ध्यान रखना है गुड्स का अगर मूवमेंट नहीं होगा तो भी आपको ध्यान रखना है नो मूवमेंट में तो बहुत सिंपल है कि अगर हम विजय सेल से टेलीविजन को ले रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा सो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपने मैटर्स को क्लियर अप कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखो आपने बहुत सारे टेलीविजन्स पे आर्टिस्ट के प्रोग्राम्स देखे होंगे अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में है हमारा पर्सन और वो है हमारा कपिल शर्मा ठीक है कपिल शर्मा आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा बहुत सारा कॉमेडी के जो प्रोग्राम्स है वो देखे होंगे तो उसमें कॉमेडी आर्टिस्ट जो है ही इज द आर्टिस्ट ठीक है ये कौन है आर्टिस्ट है अभी इसने मुंबई में फ्लैट लिया है तो ये मुंबई में रहता है अब ये जो कपिल शर्मा है ये क्या करता है बड़े बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करता है तो ये कपिल शर्मा ने अपने इवेंट के लिए मुंबई से ये कहाँ गया मुंबई से ये अपने इवेंट परफॉर्म करने के लिए चलो देख एग्जाम्पल लेते हैं मुंबई से ये गया दिल्ली कहाँ गया मुंबई से दिल्ली गया किस लिए गया मुंबई से दिल्ली किस लिए गया वो इवेंट के लिए उसका इवेंट था वहां पे दिल्ली में रहता है मुंबई में इवेंट के लिए दिल्ली गया है अगर इवेंट के लिए वो दिल्ली गया है तो आपको मैं अगर पूछूं कि बताइए इस एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वॉट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई कपिल शर्मा कॉमेडी आर्टिस्ट स्टेइंग इन मुंबई ट्रेवल्स टू डेली फॉर एन इवेंट तो वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल दिया है मैंने ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इस कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली क्यू दिल्ली होगा बिकॉज आर्टिस्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट जहां जाके परफॉर्म करता है उसी प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है सो आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन दिल्ली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन मुंबई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन गुजरात द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात तो डू रिमेंबर दिस आर्टिस्ट का हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिया है अभी कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ठीक है अभी हम दूसरा टाइप का सीनरियो देखते हैं जो नॉर्मली पूछा जाता है ये है मिस्टर एक्स लेते हैं अभी बार बार ए का एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम मिस्टर एक्स ठीक है ये मिस्टर एक्स बैठा है इधर बॉक्स के अंदर मिस्टर एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरा बंदा बैठा है बॉक्स के अंदर इसको हम मिस्टर वाई के नाम से जानते मिस्टर एक्स जो है वो मुंबई का है सेम एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मिस्टर वाई जो है वो हमारा दिल्ली का पर्सन है मिस्टर वाई कहाँ का है मिस्टर वाई हमारा है दिल्ली का और ये मिस्टर वाई का ऑफिस है वो है पंजाब में कहाँ पे है पंजाब में है अब मिस्टर एक्स जो है मिस्टर एक्स इज डूइंग व्हाट मिस्टर एक्स इज सेलिंग अ मशीनरी ये क्या कर रहा है मिस्टर एक्स मशीन को सेल कर रहा है सेलिंग अ मशीन ऑफ टेन करोरस दस करोड़ की मशीन है काफी बड़ी मशीन है जो वाई को सेल करनी वाई कहता है कि ये जो मशीन है मिस्टर एक्स एक काम करना दिल्ली में मत सेंड करना वो सेंड करना मेरा जो ऑफिस है पंजाब में वहां पे आप सेंड करिए लेकिन प्रॉब्लम यह है इस सिचुएशन में कि जो ये मशीन है ये मशीन इतनी बड़ी है ह्यूज मशीन है दिस इज ह्यूज मशीन और यह इतनी बड़ी मशीन है कि यह मशीन पूरी की पूरी हम पंजाब एक बार में लेके नहीं जा सकते अगर हमें मशीन को लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मशीन के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मशीन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में रिकॉर्ड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को करके वहां पे पंजाब लेके जाना पड़ेगा और वहां जाएंगे हम और वहां पे इंस्टॉल कर देंगे तो हमने सेम मिस्टर वाई ने हमको कहा ठीक है कोई इशू नहीं है आप मशीन के लिए ट्रांसपोर्ट में उसको डालिए और पंजाब में लेके आइए तो हमने कहा सर पूरी की पूरी मशीन एक साथ नहीं आ सकती हम उसके पार्ट्स को लेके आएंगे और मिस्टर वाई जो हमारा आपका जो ऑफिस है पंजाब में वहां आके हम इंस्टॉल करेंगे या असेंबल्ड करेंगे ठीक है इंस्टॉल्ड करेंगे या क्या करेंगे असेंबल्ड करेंगे तो ये दो वर्ड्स यहां पे मैं ध्यान से लिखता हूं हम वहां पे आएंगे और वहां पे क्या करेंगे इंस्टॉल्ड करेंगे या फिर असेंबल्ड करेंगे तो अगर हम इंस्टॉल्ड या असेंबल्ड कर रहे हैं तो ऐसे केस में बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सो डू रिमेंबर दिस कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा पंजाब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई डेली नहीं होगा वाई बिकॉज वेन एवर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड और एसेबल्ड द प्लेस वेर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड और एसेबल्ड विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे हम गुड्स को इंस्टॉल्ड करेंगे या जहाँ पे हम गुड्स को असेंबल्ड करेंगे वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूजुअली आपके पेपर में पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे सोचते हैं कि मिस्टर वाइट और डेली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई डेली कर देते हैं ऐसा नहीं है जहाँ पे भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई को कंसिडर करने वाले है इस एग्जाम्पल में वो होगा इंस्टॉलेशन का प्लेस या असेंबल्ड का प्लेस जहां असेंबल्ड होगा जहां इंस्टॉलेशन होगा वही पार्ट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू ठीक है और एक एग्जाम्पल लेते हैं एक इम्पोर्ट वाला तो ताकि जो बेसिकली जो मेजर मेजर पॉइंट्स है वो आपके कवर अप हो जाएंगे ठीक है ये एक बंदा है इधर मिस्टर ए लेंगे फिर से एक बार मिस्टर ए जो है वो हमारा मुंबई में है ठीक है मिस्टर ए कहां का है मुंबई का है और ये जो मिस्टर ए है ये दूसरा बंदा है ये दूसरे बंदे का नाम है मिस्टर थॉमस थोड़ा फॉरेनर का नाम लेते हैं मिस्टर थॉमस और मिस्टर थॉमस जो है वो हमारे सिंगापुर के है कहां पे है सिंगापुर और मिस्टर थॉमस क्या कर रहे हैं मिस्टर थॉमस मिस्टर ए को गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर ए को क्या कर रहे हैं गुड्स सेल अभी ध्यान से समझना ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है थॉमस जो है हमारे थॉमस है सिंगापुर में मिस्टर ए मुंबई में है मतलब मिस्टर ए इंडिया के है मिस्टर ए इज इन इंडिया और थॉमस गुड्स को सेल कर रहे हैं तो ऐसे केस में तो इम्पोर्ट का फैक्टर है ध्यान में काफी इंपॉर्टेंट इंपोर्ट import का फैक्टर है ना so, ये सो ऐसे केस में क्या है इंपोर्ट का कंसेप्ट है थॉमस जो है थॉमस से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कौन इंपोर्ट कर रहा है मिस्टर ए जो है मुंबई का वो इंपोर्ट कर रहा है लेकिन ये जो मुंबई का पर्सन है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पे है मुंबई में आ? ये भी मैं आपको एक बार यहां पे लिख लेता हूं इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ में है अभी थॉमस ने गुड्स को सेल कर दिया गुड्स को सप्लाई कर दिया और ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट है समझो ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट है ठीक है दिस इज वॉट दिस इज अवर यहां पर एयरपोर्ट तो यह हमारा मुंबई का एयरपोर्ट है एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेना ऐसा कुछ एयरपोर्ट नहीं है लेकिन आपके एग्जाम्पल गुड्स डायरेक्टली थॉमस के बेसिस पे मिस्टर ए के पास नहीं जाएंगे गुड्स कैसे आएंगे गुड्स यहां से एयरपोर्ट में आएंगे और एयरपोर्ट से गुड्स कहां आएंगे मिस्टर ए के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएंगे अब मिस्टर ए जो है उसका उसका एक ब्रांच है ठीक है क्या है उसका एक ब्रांच है गुजरात में ये उसका यूनिट है ये उसका यूनिट वन है और ये उसका दूसरा इधर दूसरा यूनिट देखते हैं। दिस इज यूनिट टू ये उसका मध्य प्रदेश में है। तो थॉमस ने एयरपोर्ट पे गुड्स सेंड कर दिए और मिस्टर ए ने क्या किया गुड्स एयरपोर्ट से उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं लाए एयरपोर्ट से सीधे गुड्स कहाँ सेंड कर दिए कुछ गुड्स गुजरात भेज दिए और कुछ गुड्स को उसने उनके यूनिट नंबर टू पे मध्य प्रदेश में सेंड कर दिया ठीक है कंसेप्ट ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो आपको फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा थॉमस सिंगापुर का बंदा है थॉमस से मिस्टर ए ने क्या कर दिया इंपोर्ट कर दिया मिस्टर ए का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है लेकिन गुड्स डायरेक्टली थॉमस सिंगापुर से भेजेगा और मिस्टर ए के मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आएंगे पहले एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट मुंबई के एयरपोर्ट पे गुड्स आ गए मुंबई के एयरपोर्ट पे गुड्स आने के बाद अभी उसने क्या कर दिया एयरपोर्ट से ही गुड्स को भेज दिया गुजरात में उसका एक यूनिट गुजरात में है और दूसरा यूनिट उसका एमपी में है तो दोनों के दोनों यूनिट्स में उसने गुड्स को सेंड कर दिया अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो सिंपल है आपको सिंपल चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं एंड दैट इज इंपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो इंपोर्टर का होगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है इंपोर्टर का मुंबई बिकॉज वो मुंबई का बंदा है का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है फिर गुड्स कहीं पे भी सेंड करे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा मुंबई माना जाएगा गुजरात और एमपी माना नहीं जाएगा दिस इज द पॉइंट आई होप दिस एग्जाम्पल से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा So जिसमें डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये नॉर्मल ये नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चन जो है वो है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है डेट ऑफ इन्वाइज है एंड डेट ऑफ पेमेंट है तो इसके जो भी पॉइंट्स है इसमें आपको क्या रखना है इसमें आपको एक थर्टी डेज का कॉलम बनाना पड़ेगा थर्टी डेज तो काफी सिंपल है थर्टी डेज का कॉलम बनाना है बनाना है कैसे देखो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है बारह अक्टूबर ठीक है बारह अक्टूबर से लेके बारह नवंबर तो हम बारह नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ग्यारह नवंबर ग्यारह नवंबर ट्वेंटी टू फिर आठ ग्यारह दो हजार बाईस तो आठ ग्यारह से आठ बारह तो हम आठ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सात बारह दो हजार बाईस एक महीना आगे जाना है थर्टी डेज टेन इलेवेंथ टेन इलेवे से टेन ट्वेल्व तो हम इधर लिखेंगे नाइन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिर सेवेंटीन इलेवेन्थ सेवेंटीन इलेवन मतलब यहाँ पे आएगा सिक्सटीन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिर टेन इलेवन टेन इलेवन मतलब यहाँ पे आएगा आपका नाइन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फिफ्टीन इलेवन यहाँ पर आएगा फोटीन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री इलेवन तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी टू ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इलेवन मतलब यहाँ पे आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी टू काफी सिंपल है डोंट गेट कन्फ्यूज विद पॉइंट्स सिक्स दिसंबर सिक्स दिसंबर मतलब यहाँ पे आएगा फिफ्थ जनवरी दो हजार तेईस फिर नाइन इलेवन नाइन इलेवन मतलब यहाँ पे आएगा एट ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देखो अभी आपको करना क्या है ये रूल ध्यान से समझ लेना ये अगर समझ गए तो ये टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड दैट इज़ वॉट दैट इज नथिंग बट दैट इज़ दी थर्टी डेज पीरियड तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने ये जो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ था इस कॉलम से ये थर्टी डेज का पीरियड जो है वो कैलकुलेट कर लिया है ठीक है अभी आपको करना क्या है बहुत ही सिंपल है अभी आपको करना क्या है देखो 12 अक्टूबर ये डेट है और ये यहाँ पे 11 अक्टूबर सॉरी 11 नवंबर की डेट है अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि जो इनवाइज है ये इन जो है इन मतलब बिल ये जो इन्वाइज है क्या ये इन इस डेट के ये थर्टी डेज के पीरियड के पहले बनाया है कि बाद में बनाया है इसका मतलब क्या है कि एक नवंबर जो यहाँ पे डेट दिख रहा है इन का ये बिल ये आपने थर्टी डेज के पीरियड के पहले बनाया कि बाद में बनाया तो देखो ग्यारह नवंबर एक नवंबर इसका मतलब आपने इनवॉइस जो है इस थर्टी डेज़ के जो पीरियड से पहले ही बनाया तो पहले अगर इनवॉइस बनाएंगे तो उसके लिए बिफोर के कंडीशन अप्लाई होंगे लेट मी रिपीट अगेन ध्यान से देखें लिख के रखें अगर आप पहली बार टाइम ऑफ सप्लाई सीख रहे हैं तो ध्यान से लिख के रखें देखो कैसा है रूल अगर आपने इन्वाइस 30 डेज़ के पीरियड के पहले बनाया होगा तो रूल कहता है रूल कहता है बिफोर का तब रूल क्या है इन्वाइज़ और पेमेंट विचेवर इज अर्लियर क्या रूल है इन्वाइज़ और पेमेंट विचेवर इज़ अर्लियर तो हमने इन वॉयस जो है एक नवम्बर को बनाया और हमारा लास्ट डेट था इन वॉयस बनाने का ग्यारह नवम्बर तो ग्यारह नवम्बर से पहले इन वॉयस बनाया तो हम बिफोर का रूल अप्लाई करेंगे लेकिन अगर आपने इन्वाइस बाद में बनाया देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आप 29 की डेट देखो यहाँ पे 29 11 है यहाँ पे 24 12 है तो ये भी बिफोर का ही कंडीशन है ये देखो ये वाला कंडीशन आफ्टर का दिख रहा है 15 दिसंबर 8 दिसंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे 15 दिसंबर एंड 8 दिसंबर तो 15 दिसंबर और 8 दिसंबर में अगर हम देखें तो ये जो आपने इनवॉइस बनाया है आठ दिसंबर के बाद में बनाया है बराबर आठ दिसंबर के बाद में बनाया है आपने इन तो क्या करेंगे ऐसे केस में हम ऐसे केस में हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे ऐसे केस में हम आफ्टर का रूल अप्लाई करेंगे ठीक है बहुत सिंपल है बिफोर का रूल क्या कहता है इन्वायस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आफ्टर का रूल कहता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज ये जो पहला कॉलम है ना आपका सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो अगर बिफोर बनाया होगा तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अगर आफ्टर बनाया होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेस एंड पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो चलते हैं सीधा आंसर पे देखो इसमें कैसा है बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है तो इसमें इनवॉइस अगर बिफोर बनाया है तो यस और अगर इनवॉइस आफ्टर बनाया है तो नो और इस बेसिस पे आपको क्या करना है रूल याद रखना है रूल क्या था बिफोर का जब बिफोर रहेगा तब आपको क्या करना है याद इन्वाइज़ और पेमेंट एवर इज अर्लियर और अगर आपका आफ्टर है आफ्टर तो आपको याद कर रखना है सप्लाई ऑफ सर्विसेस और पेमेंट एवर इज अर्लियर ये देखो यहाँ पे ये यस है तो इन्वाइज और पेमेंट ये इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा इन दोनों को और फिर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा और जहाँ पे नो है देखते हैं। देखो नो है तो हमको क्या कंपेयर करना है नो है तो इन को पेमेंट से कंपेयर करना है दस ग्यारह बाईस ग्यारह तो दस ग्यारह आएगा जहाँ पे यस है तो यस है तो इन दोनों को कंपेयर करना है और जहाँ पे नो है नो है तो इन दोनों को कंपेयर करना है फर्स्ट कॉलम को थर्ड के साथ ठीक है ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम ये थर्ड कॉलम ठीक है जहां पे भी यस है यस यस मतलब क्या है इन वॉइस बिफोर है वो यस कैसे आया मैंने अभी आपको सिखाया है यस रहेगा तो आपको क्या करना है सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इनके डेट्स देखो इनमें से अर्लियर वाला डेट ले लो ठीक है और अगर जहां पे आपको नो दिख रहा है नो में क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इनके डेट्स देखो इनमें से अर्लियर का लिखो तो दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई दोनों वराइटीज़ हमारे सॉल्व हो चुके हैं लास्ट सेशन में हमने वो पिछला सेशन में जो हमने सीखा था वो सिंपल था उसमें हमें पेमेंट इग्नोर करना था इसमें हमने नॉर्मल केसेस वाले में इन्वायज़ और पेमेंट एवर इज अर्लियर और सप्लाई और सर्विसेज ऑफ पेमेंट एवर इज अर्लियर ऐसा आपको ढूंढना है कैसे डेट्स लिखने हैं वो मैंने भी आपको सिखाया है तो ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट हो चुका है कंप्लीट टू डी भी हमारा कंप्लीट हो चुका है आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फोर ए क्या कहता है लेट अस सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन राजा एंटरप्राइजेस हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड सोल्ड बाय इट टू रानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे हमें लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस टैक्सेस एंड डिस्काउंट एंड द अमाउंट इज फोर लैक फिफ्टी थाउजेंड टैक्सेस लेविड बाय मुंसिपल कॉर्पोरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स फोर्टी फाइव पैकेजिंग चार्जेस दिया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिया है चार्जेस फॉर डिजाइनिंग दी मशीन दिया है कमीशन पेड बाय रानी एंटरप्राइजेस दिया है सब्सिडी फ्रॉम गव एन जी ओ दिया है एंड लिस्ट प्राइज इज फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड इज आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी राजा एंटरप्राइजेस ऑफर टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस एंड आपको सी एस सी जी एस टी और एस जी एस टी भी बाद में कैलकुलेट करना है विच इज नाइन नाइन परसेंट देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये क्वेश्चन का जो टाइप है इस टाइप को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाय हमें इसमें वैल्यू ऑफ़ सप्लाई को कैलकुलेट करना है और कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं उस एडजस्टमेंट्स को हमको ध्यान में रखना है और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम कैलकुलेट करेंगे अभी एडजस्टमेंट्स कैलकु देखते वक्त एक चीज ध्यान रखना सी और एसजीएसटी एस अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो वो हम लोग सॉल्व करते वक्त नहीं लेंगे बिकॉज हमें वैल्यू ऑफ़ सप्लाई कैलकुलेट करने के बाद सी जी एस टी जी एस टी ढूंढाए अगर हम सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी जो है वो अगर गवर्नमेंट से मिलता होगा तो इट इज़ नॉट टैक्सेबल एंड अगर सब्सिडी जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एन या बाकी किसी से भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल बन जाएगा तो सीधा चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व क्या करना है कैसे इसको सॉल्व करना है काफ़ी सिंपल तरीका है सबसे पहले हम क्या करेंगे लिस्ट प्राइस लिखेंगे तो आपको लिस्ट प्राइस दिया था क्वेश्चन में फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिए होंगे जैसे कि आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए थे टैक्सेस लेविड बाय मुंसिपल कॉर्पोरेशन पैकिंग चार्जेस डिजाइनिंग चार्जेस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट कमीशन फ्रॉम राजा सब कुछ लिखा है लेकिन आपने नोटिस किया होगा इधर एक चीज हमने नहीं लिखी है इधर एक चीज कौन सी नहीं लिखनी है दैट इज सी जी एस टी एंड एस जी एस टी जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सी जी एस टी एंड एच जी एस टी दिया है फिफ्टी फोर थाउजेंड इस चीज़ को हमें हमारे कैलकुलेशन में नहीं लेना है इसको इग्नोर करना है बिकॉज हमें ही सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है दैट इज़ वाई वी आर इग्नोरिंग दैट पॉइंट और अगर आपको सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी एनजीओ का है इधर अगर यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता तो वो भी एग्जेम हो जाता तो करना क्या है बहुत सिंपल है लिस्ट प्राइस लेना है सारे एक्सपेंसेस ऐड करने हैं देन आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है तो हमारे क्वेश्चन में हमको कहा था कि टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट था तो फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हमारा लिस्ट प्राइस है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड पर हमें टेन परसेंट जो है वो माइनस करना है तो वी गॉट दी आंसर फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर फाइव लैख सिक्सटी Uh, में से 45 माइनस किया तो हमें मिल गया फाइव लैख फिफ्टीन दैट इज कॉल्ड एज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल चुका है लेकिन हमें हमारे क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि 9 परसेंट सी कैलकुलेट करो और 9 परसेंट एस कैलकुलेट करो तो ये कैसे करने का ये फाइव लैख फिफ्टीन थाउजेंड पर आपको 9% परसेंट ढूंढना है दैट इज योर सी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सिमिलरली आपको नाइन परसेंट एस जी एस टी है सेम अमाउंट आएगा फिर ये दोनों वैल्यूज को आप अगर प्लस कर दोगे तो नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड मिलेगा एंड दिस नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इज योर जी एस टी पेएबल दिस मेथड इज कॉल्ड एज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन काफी ईजी क्वेश्चन आया था और सभी लोगों को इसमें दस में से दस मार्क्स मिले होंगे बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस था नहीं सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो हमको इग्नोर करना था यहां पे नोट भी दिया सी जी एस टी एंड एस जी एस टी चार्जेबल आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई जैसे मैंने आपको कहा और एक चीज इसमें याद रखना कि ये जो सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ है यहाँ पे अगर सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या सब्सिडी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट आएगा तो वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा बाकी सारी चीज़ें हमारी टैक्सेबल हो जाएगी तो इस तो से अभी हम इसमें सीखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में तो तो मैंने जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सभी सभी चीज़ें इस स्लाइड्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगी लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस भी हम कर लेंगे बेसिकली अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस रजिस्ट्रेशन किया जाता है और जीएसटी का जो नंबर है वो जीएसटी का नंबर फिफ्टीन डिजिट का होता है ठीक है थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले एग्जैक्टली exactly. तो जीएसटी के नंबर के लिए हमें करना क्या है जीएसटी के नंबर के लिए हमें जीएसटी का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है पोर्टल ऑनलाइन बेस पे अप्लाई करना ऑनलाइन बेस पे क्या करना है हमें जीएसटी पोर्टल पे अप्लाई करना है उसके बाद 15 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा कैसे मिलेगा 15 डिजिट का ये याद रखना आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 15 डिजिट का नंबर आपको मिलेगा जिसमें ये जो 15 डिजिट का जो नंबर है इसमें से जो फर्स्ट दो डिजिट्स है फर्स्ट दो फर्स्ट दो दो डिजिट्स है वो आपके स्टेट का कोड रहेगा ठीक है वो क्या रहेगा दिस विल बी द कोड ऑफ द स्टेट फर्स्ट दो दो है वो स्टेट का कोड रहेगा फिर बाकी जो नेक्स्ट दस डिजिट्स है वो आपके पैन नंबर को रिलेट करेंगे ठीक है वो क्या करेंगे वो आपके पैन नंबर को रिलेट करेंगे फिर जो उसके बाद जो दो डिजिट्स दो है दैट इज दी एंटी टी कोड मतलब आपके कंपनी का वो कोड रहेगा क्या रहेगा वो आपके कंपनी का कोड रहेगा और जो एक लास्ट डिजिट बनता है वो एक चेकसम नंबर के बेसिस पे है मतलब वो एक नंबर रहेगा बेसिकली कोई भी नंबर वहां हो सकता है तो इस बेस पे फिफ्टीन डिजिट का कोड दिया जाता है तो so, आपको ध्यान रखना है बेसिकली अगर एम सी की उसमें पूछा गया कि जी एस टी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का होता है तो दैट इज फॉर फिफ्टीन डिजिट्स बाकी की चीजें भी मैंने आपको बता दी है एग्जैक्टली exactly. तो so, अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि दो पर्सन लाइबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए सभी लोग तो लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो हु विल बी लाएबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ दी जी एस टी एक्ट ठीक है तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर कौन कौन रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाइबल होगा क्या उसके प्रोविजंस है वॉट आर द इम्पॉर्टेंट रिमेंबर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल वी आर गोइंग टू दो लेट एस गो टू दी पीपीटी सी नाउ सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ दी जी एस टी एक्ट प्रोवाइड्स दैट एवरी सप्लायर इज लाइबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दीजी सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेर ही सप्लाईज ऑफ टुड्स और सर्विस अगर मैं महाराष्ट्र से गुड्स uh, का सप्लाई करता रहूंगा या अगर मैं गुजरात से गुड्स का सप्लाई करता रहूंगा तो कोई भी स्टेट ले लो जिस स्टेट से आई विल बी सप्लाइंग दिल गुड्स या फिर सर्विसेस या फिर दोनों उसी स्टेट में मुझे लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन लेना मतलब अगर इफ आई एम सप्लाइंग द गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र आई विल बी लाइबल इन महाराष्ट्र इफ सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड तो वो कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे पहले आपको ये जानना है बेसिकली कि सभी स्टेट्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखा है वो सेम नहीं है इफ यू सी देर आर सर्टन स्पेशल कैटेगरी स्टेट विच यू आर ऑलरेडी सींग नाव एंड टोटल ग्यारह स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है इन स्टेट्स uh, को स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्यों बोला है इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इसीलिए बोला है कि थोड़े कम्पेरिटिवली बाकी के स्टेट से इनका जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल इनकम है जो यहाँ के लोग है पॉपुलेशन है उनका ओवरऑल इनकम सोर्स कम है तो इसीलिए ऐसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा दिया गया है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के जो भी स्टेट्स रहेंगे वहां पे लिमिट्स जो रहेगी वो अलग रहेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की मतलब नाउ वी आर डिस्कसिंग वॉट कि कौन से पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है तो वो हमने क्या देखा कि सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 थाउजेंड सेवेंटीन सेज दैट

उसी स्टेट में वो पर्सन लायबल बन जाएगा और उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या लिमिट है और जो नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए क्या लिमिट्स है वो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे तो देखो आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में ही डाला है अगर हम देखें तो दिस इज द लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर दी एक्ट टू तो पहले आपको कॉलम दिख रहा है स्टेट्स का और फिर दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है लिमिट का अब ध्यान रखना दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी आर लर्निंग एंड दैट इज फॉर सप्लायर एंगेज इन सप्लाई ऑफ द गुड्स देखो सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करेंगे हम पहले पहले गुड्स की बात करेंगे देन वी विल बी डीलिंग विथ सर्विसेस और गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अगर रहेंगे तो भी सेकेंड वाला ही पॉइंट तो सबसे पहले अगर मणिपुर है मिजोरम है नागालैंड है या त्रिपुरा है ठीक है मणिपुर मिजोरम नागालैंड और त्रिपुरा तो बेसिकली ये जो जो पॉइंट्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा बेनिफिट दिया गया है अगर ये स्टेट है और ये स्टेट से अगर सप्लाई होता है किसका गुड्स का ये स्टेट से अगर गुड्स का सप्लाई होता है तो टेन लैक्स का थ्री है मतलब दस लाख से ऊपर अगर जाएगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी बन जाएगा मैंडेटरी बन जाएगा ठीक है फर्स्ट फेब्रुवरी के पहले टू फर्स्ट फेब्रुवरी टू के पहले भी ये दस लाख था फर्स्ट फेब्रुवरी तक ये दस लाख का ही कंडीशन था लेकिन जो लिमिट्स है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर, कर लिए थे

ट्वेंटी लैक्स ,00 की लिमिट है थोड़ा सा कंपेरेटिवली अगर मणिपुर मिजोरम नागालैंड नागरें, और त्रिपुरा से देखें तो यहाँ पे थोड़ा इनकम सोर्स कंपेरेटिवली ज्यादा है बाकी के स्टेट से कम ही है लेकिन हम अगर हम ऊपर वाले से कंपेयर करें तो इसीलिए इनकी लिमिट जो है वो टेन लैक्स ,00 की ट्वेंटी लैक्स ,00 कर दी है पहले ये जो फर्स्ट फेब्रुवरी टू के पहले ये टेन लैक्स ,00 थी लेकिन ये ट्वेंटी लैक्स है अभी आपको सिर्फ ट्वेंटी लैक्स ही याद रखना है नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की जो लिमिट थी ये बहुत चेंज हुई है ये पहले दस लाख थी फिर बीस लाख कर दी फिर बीस लाख के बाद अभी फोर्टी लैक्स कर दी है तो फर्स्ट अप्रिल टू थाउजेंड नाइन में जम्मू एंड कश्मीर की भी कितनी है फोर्टी लैक्स है पुडुचेरी एंड तेलंगाना की भी कितनी है ट्वेंटी लैक्स है तो पुडुचेरी एंड तेलंगाना में ट्वेंटी लैक्स की लिमिट है और बाकी सारे स्टेट्स जो रहेंगे इंडिया में उसकी लिमिट कितनी है की लिमिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो गुड्स में जो एग्रीगेट टर्न होता है एग्रीगेट टर्न ओवर इज बेसिकली डिफाइंड एज पर सेक्शन टू सेक्शन सिक्स ऑफ द सीजीएसटी एक्ट टू तो एग्रीगेट टर्न का डेफिनेशन दिया गया है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे बट बेसिकली जो भी आपका एग्रीगेट टर्न है वो अगर चालीस लाख ,00 से ऊपर गया तो आपको जी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी बन जाएगा कंपलसरी बन जाएगा रेस्ट ऑफ द स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं और अगर हम मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा की बात करें तो इट विल बी टेन लैक्स उत्तराखंड आसाम मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ट्वेंटी लैक्स हिमाचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इट इज फोर्टी लैक्स पुडुचेरी तेलंगाना रहेगा तो अगेन इट इज ट्वेंटी लैक्स एंड अरेस्ट स्टेट इन द इंडिया की बात करें तो इट विल बी फोर्टी लैक्स तो यू हैव टू रिमेम्बर फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दी लैक्स तो डू रिमेंबर दिस वेन एवर एनी पर्सन और एनी सप्लायर इज एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ द गुड्स देन द थ्री शोल्ड लिमिट या एग्रीगेट टर्न ओवर की अगर बात करेंगे तो एग्रीगेट टर्न ओवर कितना होना चाहिए 40 लाख ,00 ,00 से ऊपर होना चाहिए 40 लाख ,00 से अगर कम है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर उस बंदे को लगता है कि फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ तो गवर्नमेंट से इज वेलकम अगर आप खुद चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख ,00 से कम है और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो दिस इज रिलेटेड विद गुड्स आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट पॉइंट इज और सप्लायर एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेस और बोथ ध्यान से पहले हमने क्या पढ़ लिया पहले हमने गुड्स पढ़ लिया अब हमारा ये जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है सेकेंड नंबर के पॉइंट पे हम पढ़ेंगे सर्विसेस और बोथ ठीक है अभी मैं आपको जो मेजर मेजर चीजें हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें करवा रहा हूं जिसके बेसिस पे आप पेपर में जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक है सो आई वॉज रिसीविंग कमेंट्स फ्रॉम यूर साइड सर एम सी क्यूज कैसे पढ़े एम सी क्यूज को कैसे करवाना है तो so, बेसिकली देखो एवरी वन जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर इफ द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस अपलाइज फॉर एवरी चैप्टर्स एवरी सब्जेक्ट्स इफ बेसिक्स इज क्लियर एम सी क्यू क्या है एम सी क्यू बेसिक्स से सो बनता है तो so, जो भी आपके बेसिक्स है चैप्टर से रिलेटेड वो ध्यान रखना वो अगर प्रॉपरली एनालाइज कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी ठीक है अगर हम सर्विसेस की बात करें मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा अगेन टेन लैक्स है तो गुड्स बनाए है या फिर सर्विसेस प्रोवाइड करे गुड्स का सप्लाई करे या सर्विसेस प्रोवाइड करे तो भी टेन लैक्स ,00 ही होगा दोनों केस में उत्तराखंड में अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड आसाम मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश अगेन इट इज ट्वेंटी लैक्स अगेन इट इज सिमिलर तो यहाँ पे भी सिमिलर है यहाँ वो पहले वाला भी सिमिलर ही था उत्तराखंड आसाम मेघालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में भी ट्वेंटी लैक्स ,00 ही रहेगा रेस्ट स्टेट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो रेस्ट स्टेट इन इंडिया में यहाँ पे ट्वेंटी लैक्स ,00 है तो अगर गुड्स रहेगा यहाँ पे लिखता हूं अगर गुड्स रहेगा तो फोर्टी लैक्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अनिल एंड कंपनी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन मुंबई तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि कंडीशन में क्या कहा है कंडीशन में कहा है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स तो अभी हम इसमें गुड्स का कंडीशन अप्लाई करेंगे गुड्स का लिमिट अप्लाई करेंगे सर्विसेस का लिमिट अलग है और यह बंदा कहाँ का है मुंबई का है द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन सिक्स फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इज टर्न ओवर ऑफ द गुड्स इज एज एस तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है डेट का कॉलम है टैक्सेबल का कॉलम है एक्सपोर्ट का कॉलम है और का कॉलम है तो ध्यान में याद रखना ये पॉइंट में टैक्सेबल एक्सपोर्ट एग्जेम्ट इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं है हमको सारे कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट वो डिटरमाइन द डेट फ्रॉम विच अनिल एंड कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होंगे देखो कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैंने करके रखा है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए देखो कैसे सॉल्व करना है मेसर्स अनिल एंड कंपनी इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ टोटल टर्नओवर क्रॉसेस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रुपीज फोर्टी लैक्स तो हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स है तो गुड्स में लिमिट कितनी है गुड्स में लिमिट है फोर्टी लैक्स ,00 अगर उसका टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर फोर्टी लैक्स से ऊपर जाएगा तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाएगा देखो अभी कैसे कॉलम बनाने देखो कॉलम नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बनाया है ये क्या किया है हमने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बनाया है एक इस एक्स्ट्रा कॉलम आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो टोटल का लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है हमें करना क्या है जो हमारे क्वेश्चन में पॉइंट्स होंगे वो तो क्वेश्चन के पॉइंट्स को पहले सेम टू सेम कॉपी कर लेना है क्या करना है सेम टू सेम कॉपी कर लेना है फिर आपको करना करना क्या है 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 देखो हमने कैसे इसको करना है? काफी सिंपल डेट so, का कॉलम मैंने भी क्वेश्चन का है ठीक है थीके? फिर आपको करना क्या है ये जो टैक्सेबल का कॉलम है इसको मैं ए मार्क करता हूँ समझो ए दिस इज एक्सपोर्ट का कॉलम बी दिस इज एक्सम का कॉलम सी फोर लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस सिक्सटीन लैक ट्वेंटी फोर एट हंड्रेड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड तो आपको ये आंसर मिलेगा ट्वेंटी लैक्स नाइन्टी फोर थाउजेंड दिस इज क्यूमुलेटिव का कॉलम तो हम स्कूल डेज में करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसा ही कंसेप्ट है तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है स्टार्टिंग में हमें सबको ऐड करना है फिर उसके बाद हमें दोनों ऐड करते जाना है देखो अब ये ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड है तो आपको ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में क्या क्या प्लस करना है प्लस ये देखो सेकेंड का फोर लैख एट और सिक्सटी फोर तो इसमें क्या क्या प्लस करना है प्लस फोर लैख एट थाउजेंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड ठीक है क्रॉस क्रॉस प्लस करते जाना है मतलब ये वैल्यू में ये वैल्यू प्लस करनी है और ये वैल्यू प्लस करनी है तो हमें मिलेगा ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड फिर ट्वेंटी फाइव लैख सिक्स एट हंड्रेड में फाइव लैख सेवेंटी प्लस करना है एंड थर्टी थाउजेंड प्लस करना है तो ये वैल्यू मिलेगा थर्टी वन लैख सेवेंटी टू फिर थर्टी वन लैख सेवेंटी टू में फाइव लैख फोर्टी फोर प्लस करना है थर्टी टू प्लस करना है तो मिलेगा थर्टी सेवन लैख फोर्टी एट एट हंड्रेड फिर थर्टी सेवन लैख फोर्टी एट एट हंड्रेड में 384 प्लस करना है 24 प्लस करना है फिर मिलेगा 4156800 इसके बाद मैंने किया नहीं क्यों नहीं किया बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हो एरो मार्क्स में ये जो वैल्यू है दिस इज अबव 40 लाख इसके आगे का करोगे तो फॉर्मेलिटी है हमको तो मेन ये चेक करना है कि 40 लाख से ऊपर कभी क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो वी हैव द अमाउंट 4156800 तो ये जो अमाउंट है दिस इज मोर देन फोर्टी देखो ये कौन से डेट गुड सप्लाई कर रहे हैं तो फोर्टी कब क्रॉस कर रहा है नाइन्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को इट इज क्रॉसिंग फोर्टी लैक्स वी आर गेटिंग एट हंड्रेड तो जिस दिन को उसका टर्न ओवर फोर्टी लैक्स के ऊपर जाएगा उसी दिन से वो बंदा लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैंने कंक्लूजन लिखा दोटल टर्न ओवर क्रॉसस रूपीज फोर्टी लैक्स हेन्स अनिल एंड कंपनी विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन डेट लिखना है आपको नाइन्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो दिस इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन आई होप दिस इज वेरी सिंपल ओनली यू हैव टू प्रिपेयर एन एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ क्यूमिटिव सिर्फ आपको क्यूमलेटिव का एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना है और फिर प्लस करते करते जाना है और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा दैट इज द पॉइंट और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है कि वो बंदा कब से लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का भी क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा सेकेंड क्वेश्चन मैसर्स दिनेश एंड कंपनी इन मणिपुर कहां पर है ये मणिपुर आपको अगर पता होगा तो हमने डिस्कस किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बंदा है तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन कैटेगरी तो में लिमिट अलग होती है ये भी गुड्स वाला ही बंदा है टैक्सेबल गुड्स दिया है कॉलम में देखो टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्ड गुड्स तो तीन कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हैं और हमें यही फाइंड करना है फाइंड द डेट फ्रॉम विच दे आर लायबल टू पे टैक्स कौन से दिन से वो लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो डेट का कॉलम टैक्सेबल गुड्स का कॉलम और एग्जाम गुड्स का कॉलम तो अब मैं आपको सोल्यूशन में लेके चलता हूं डायरेक्टली देखो किस तरीके से हमको करना है देखो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे दिनेश एंड कंपनी इज फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द द टोटल प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने मणिपुर ध्यान से नहीं देखा फिर गलत हो जाएगा बिकॉज अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फोर्टी लैक्स बताया फोर्टी लैक्स तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितना है ये फोर्टी लैक्स किसके लिए है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और जो स्पेशल स्टेट्स है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना पे तो कितना है ट्वेंटी लैक्स है तो मणिपुर के लिए ट्वेंटी लैक्स तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है देखो मैंने अभी यहाँ पे दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाया ताकि गड़बड़ ना हो आपको भी कंफ्यूजन ना हो आप भी दो ही कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ फर्स्ट कॉलम डेट है कॉलम टैक्सेबल गुड्स है थर्ड कॉलम एग्जेम गुड्स है इतना जो कॉलम है ये आपको क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन में हमारे पास तीन कॉलम्स थे तो मैंने दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए एक है टैक्सेबल प्लस एग्जेप्टाइन लैख सिक्सटी प्लस वन लैख ट्वेंटी फोर इक्वल टू टेन लैख एटी फोर सिक्स लैख एटी प्लस वन लैख टेन इक्वल टू सेवन लैख नाइनटी टू लैक फोर प्लस सिक्सटीन इक्वल टू टू लैक ट्वेंटी ये जो टोटल का कॉलम भी मैंने यहाँ पे बनाया ताकि हमारा लास्ट क्वेश्चन में जैसा दो दो प्लस करना पड़ा वैसे प्लस ना करना पड़े सबको प्लस किया है हमने सिंपल चीज है टैक्सेबल गुड्स प्लस एक्जैम्ड गुड्स इक्वल टू टोटल सप्लाई ठीक है नाइन लैख सिक्सटी में वन लैख ट्वेंटी फोर प्लस किया हमें मिला टेन लैक एटी फोर ऐसे मैंने लास्ट तक सारे वैल्यूज को प्लस करके कैलकुलेट कर लिया नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग द क्यूमलेटिव देखो क्यूमलेटिव हमेशा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट में सेम रहता है टेन लैक एटी फोर तो यहाँ पे भी मैंने टेन लैक एटी फोर लिखा अब आपको क्रॉस क्रॉस प्लस करना है टेन लैक एटी फोर प्लस सेवन लैक नाइन्टी इक्वल टू एटीन लैख सेवेंटी फोर एटीन लैख सेवेंटी फोर प्लस टू लैख ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर प्लस फोर लैक फोर्टी एट इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लैख फोर्टी टू ऐसे आपको प्लस करते जाना है मैं मार्क कर देता हूँ ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सके ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्स्ट्रा चीज सॉल्व की है बिकॉज हमारा टर्न ओवर ट्वेंटी के ऊपर कब जा रहा है ये तो हमने यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर दिया है एक एरोमार्क भी किया है तो हमारा टर्न ओवर ट्वेंटी के ऊपर यही पे जा रहा है एक्स्ट्रा आगे का पॉइंट नहीं कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा अब यहाँ पे कौन सी डेट है ट्वेंटी मे टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये बंदा जो है कब से लाएबल होगा द टोटल टर्न ओवर क्रॉसेस रुपीज ट्वेंटी लैक्स हेंस दिनेश एंड कंपनी विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ट्वेंटी 20 मे 2020 तो so, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड विथ रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं चलो so, ऑल एक पॉइंट सप्लाई का कर देंगे अभी सर्विस वाला सोहम एंड कंपनी इन पुणे इज अ सर्विस प्रोवाइडर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है तो लिमिट अलग होती है अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो लिमिट अलग होती है. तो ये भी सेम कैलकुलेट करो कब से लायबल होने वाला है तो ये सर्विस service, कब सर्विसेज का पॉइंट है तो सेम वे है ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं सिर्फ लिमिट का डिफरेंस मैंने पे आपके सामने आंसर लिखा है देखो टोटल भी कॉलम कौल, सेम प्रिपेयर किया सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर्टी यहां पे ट्वेल्व ही है आएगा सिक्सटी प्लस फोर्टी इक्वल टू वन

फोर्टींथ जून 2020 तो कब से लाइबल हो रहे हैं फोर्टींथ जून 2020 ट्वेंटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वी हैव सोल्व थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन है थ्री भी जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या है आ, ये जो है आपका ये क्वेश्चन होता है प्लेस ऑफ सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई में हमें बहुत ही सिंपल हमें कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं एंड उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमें प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है वो लिखना होता है बहुत ही सिंपल चीज़ है डोंट गेट कन्फ्यूज बाय दिस पॉइंट्स एकदम सिंपल डिस्कशन करेंगे ताकि ओवरऑल ये ले भी लेवल आपका जो है वो क्लियर हो पाएगा लेटस रीड वन बाय वन एंड देन वी कैन डिसाइड अबाउट व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री भी ये 10 मार्क्स के लिए पूछा था 5 पॉइंट है मतलब हर पॉइंट आपका 2 मार्क्स के लिए रहेगा देखो क्वेश्चन कैसे था डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीजंस तो आपको यहाँ पे रीजंस भी देने हैं मतलब आपका रीजन एक मार्क के लिए है और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का जो आंसर है वो एक मार्क के लिए है बहुत सिंपल है तो मिस्टर अरबाज जो है ही इज एन इंजीनियर ऑफ दिल्ली Who gives द services फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इन Mexico? ठीक है बहुत सिंपल तो आपको करना क्या है देखो अरबाज किधर का है अरबाज दिल्ली का है और वो अपने सर्विसेज़ दे रहा है मेक्सिको में मतलब फॉरेन कंट्रीज में अपनी सर्विसेज़ दे रहा है बहुत सिंपल है अगर कोई इंडिया का बंदा अगर कोई इंडिया का पर्सन फॉरेन में अपनी सर्विसेज देता होगा तो वो इंडिया का पर्सन जो है वो उसका ओवरऑल रेसिडेंट किधर का है वो कहाँ पे रहता है वो जहां पे भी रजिस्टर्ड होगा जहां पे भी रेसिडेंट होगा उसी को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे तो आपको इसमें लिखना कैसे है प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली बिकॉज इन केस ऑफ अ पर्सन रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड हु प्रोवाइडिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रजिस्टर्ड ऑफिस तो इसका आंसर बन जाएगा आपका दिल्ली तो दिल्ली विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में और जैसे मैंने वर्डिंग्स आपको बताया ऐसा नहीं कि वैसे के वैसे वर्डिंग्स लिखने हैं लेकिन रीजंस पूछा है तो रीजंस आपको लिखना पड़ेगा मिस्टर श्रीमांत अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ झारखंड सेंड्स गुड्स थ्रू कुरियर टू वन वन ऑफ हिस्स फ्रेंड्स इन धाराशिव ठीक है काफी सिंपल है देखो अभी ये जो पॉइंट नंबर टू है इसमें झारखंड भी इंडिया है और धाराशिव भी इंडिया ही है तो बेसिकली ऐसे केस में आपको क्या करना है अगर आप गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पे भेज रहे हो तो गुड्स के लिए आपको याद क्या रखना है गुड्स समझो मैंने मुंबई से भेज दिया दिल्ली में तो मुंबई से गुड्स गया दिल्ली गया तो दिल्ली उसका डेस्टिनेशन है तो इसके लिए आपको ऐसे केस में याद रखना है कि जहां पे गुड्स जाके हम डिलीवर कर रहे हैं डेस्टिनेशन किधर है इसका तो श्रीमंत नाम का एक रजिस्टर्ड पर्सन है झारखंड का वो अपने फ्रेंड को कुरियर से गुड्स भेज रहा है धाराशिव में तो आपका इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा धाराशिव बनेगा बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई धाराशिव इसीलिए है कि गुड्स वन प्लेस से दूसरे जगह पर जा रहा है तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई दैट विल बी द रीजन फॉर दिस नेक्स्ट है मिस्टर काशीनाथ A resident of